Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, aaj hum thodi se moral conducts ke bare mein padhenge, kuch aise general facts aur general human behavior jisse hum ek acche insaan ban sakte hain aur dusron ko bhi acha ek insaan bana sakte hain. Let's start. This is chapter number 17, virtues, right kids? So let's start, fill in the blanks with the help of the help list. Help list की मदद से इन blanks को fill कीजिए. Right kids, here is the help list given for our help. Let's start. First is be truthful and transparent. It's always good to dash the reality than to tell a fib. So kids, हमें हमेशा सच रहना चाहिए, हमेशा transparent यानी कि हमेशा ऐसा रहना चाहिए जैसा हम हमेशा रहते हैं. हमें हमेशा real बन के रहना चाहिए, fake नहीं. कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि it is always good to share the reality. अगर हम reality share करेंगे अपने parents, अपनी teachers, relatives या फिर अपने friends के साथ तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा और झूठ बोलने वाले इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते. Right kids, and that's why we should always be truthful and plus it's always good to share the reality. Right kids, so we'll write over here share. Next is number 2, do things on dash, late work is never appreciated in the long run. अगर आप किसी से कोई काम किसी टाइम पर करने के लिए कहते हैं, अगर वो एक घंटा दो घंटा लेट, एक दो दिन लेट हो जाए, एक हफ्ता लेट हो जाए, तो क्या आप उसका काम को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? Well, not at all. क्योंकि पंक्चुअलिटी इज समथिंग जो कि आप भी वैल्यू करना चाहते हैं एंड आप वैल्यू करते हैं. तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम. आप कुछ भी काम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी डन ऑन टाइम. अगर उसको आप वर्क पे खत्म करते हैं तो आपका सारा स्केड्यूल प्रॉपरली वर्क करता है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है. राइट किड्स, और इससे आप डिसिप्लिन भी बनते हैं. सो डू थिंग्स ऑन टाइम, टाइम से चीजों को करना चाहिए. लेट वर्क को कभी कोई भी शाबाशी नहीं देता. गलत काम या फिर जो काम देरी से किया जाए उस काम को कभी शाबाशी नहीं मिलती. नंबर 3, राइट किड्स, लेट्स रीड आउट, गो टू स्कूल रेगुलरली एंड ऑन टाइम. हमें रोज रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए और वक्त पे स्कूल जाना चाहिए. पंक्चुअलिटी इज अप्रिशिएटेड. राइट किड्स, पंक्चुअलिटी हर कोई अप्रिशिएट करता है. राइट किड्स, अगर आप अपने स्केड्यूल को लेकर पंक्चुअल हैं, अगर आप अपने स्केड्यूल को लेकर टाइम पर रहते हैं, सारे कामों को आप पंक्चुअलिटी से वक्त पर खत्म करते हैं, तो आपका टाइम कभी भी किल नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल टू आवर स्केड्यूल्स. राइट किड्स, सो पंक्चुअलिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. Right kids, now let's move forward to the number 4. Teachers and parents train you for future. तो आपके जो parents हैं, माँ बाप हैं और आपके जो teachers हैं, आपके जो शिक्षक हैं, वो आपको future के लिए train करते हैं, training देते हैं, ताकि आप अपने आने वाले future में planning और strategizing अच्छे से कर सकें. So उनके साथ हमें कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए. अगर वो हमें कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वो हमारे भले के लिए है. It's for our own good. And that's why we should always listen to them and obey them because they're always right. So do not argue with them or be indifferent. Right? So we'll write over here argue. ये हमें कभी भी अपने parents या teachers के साथ argue नहीं करना चाहिए. Other than this, we should always obey them और उनकी हमें बात सुननी चाहिए. Number 5 is movies and videos are good to watch. मूवीज और वीडियोस देखना अच्छा होता है, लेकिन रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन. रीड करने से एक इंसान कंप्लीट मैन बनता है. राइट किड्स, सो द आंसर हियर इज रीडिंग. क्यों? क्योंकि आप मूवीज और टीवी शोज तो देखते ही हैं, बट जब आप रीड करते हैं तो वो चीज आपके माइंड में फिक्स होती है. उसके अलावा जब आप रीडिंग करते हैं तो आपका वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है, आपका माइंड इनोवेटिव भी होता है. लास्ट इज नंबर 6, बी डैश टू एवरीवन फॉर व्हाट दे डू फॉर यू. अगर कोई आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी करता है, कोई भी अगर आपके लिए एक छोटा सा गुड कॉज या गुड डीड करता है, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम. आपको हमेशा उनको थैंक यू करके ग्रीट करना चाहिए.
थैंकलेस पीपल आर नॉट लाइक, अगर कोई आपकी मदद करता है और आप उसको थैंकफुलनेस नहीं शो करते हो तो आपको कभी भी पसंद किया नहीं जाएगा, बिकॉज अ पर्सन हु इज थैंकलेस इज नेवर अप्रिशिएटेड और लाइक. Right kids, so be thankful to everyone. Right kids, so we'll write thankful over here. Right, so now with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter and a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.